जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। अखिल भारतीय विशाल दंगल का आयोजन नहरकोठी बाबई में किया गया। इस दंगल का शुभारंभ मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि चौधरी विष्णुपाल सिंह के द्वारा गणेश प्रतिमा का पूजन माल्यार्पण व फीता काट कर किया गया। इसी क्रम में सभी जिले व राज्यों से आए हुए पहलवानों ने अपने अपने दावपेच दिखाकर जनता के मन को जीत लिया। अंतिम कुश्ती ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि चौधरी विष्णुपाल सिंह व बुंदेलखंड के श्री कृष्णा पहलवान चुरखी के द्वारा, उत्तर प्रदेश के श्री ठाकुर अभिनव सिंह झिंझक रवि पहलवान झांसी आरपीएफ पुलिस में कार्यरत के द्वारा कराए गए। इन दोनों पहलवानों की कुश्ती की इनाम ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के द्वारा 25,000 रुपए रखी गई। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि चौधरी विष्णुपाल सिंह ने युवा पीढ़ी को संदेश देते हुए ये भी कहा कि कुश्ती का खेल धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, इसलिए युवा पीढ़ी से उनका अनुरोध है कुश्ती के खेल को जारी रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए खेल को खेल की भावना से ही खेला जाए। और ये ऐलान करते हुए भी कहा कि इस वर्ष की भांति हर वर्ष गणेश चतुर्थी के दिन ही अखिल भारतीय विशाल दंगल का आयोजन किया जाएगा। जालौन मेट्रो से महेबा ब्लॉक संवाददाता राम दुलारे तिवारी की रिपोर्ट। जी भैया, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम संदीप राणा पहलवान कोठौंदा, जनपद जालौन है। जी जी जी, आप यहाँ जो दंगल का आयोजन हुआ है वो आपको कैसा लगा और क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों के लिए? बस यही संदेश देना चाहता हूँ, अगर ऐसे ही दंगल अगर क्षेत्र में होते रहे जी, तो जो पहलवानी धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी जी, वो फिर से जिंदा हो जाएगी। और एक कुश्ती कला हमारी प्राचीन धरोहर है, प्राचीन परंपरा है। और सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि आगे खुलवा दो पाठशाला और पीछे खुलवा दो व्यायामशाला, जिससे हमारे देश के बच्चे बुद्धिमान के साथ साथ बलवान होंगे, तभी हमारे देश का विकास संभव होगा। और मैं इस दंगल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, जो हमारे युवा हमारे भाई हैं जो नशा कर रहे हैं, बीड़ी तंबाकू पान गुटखा मदरा पान कर रहे हैं, इससे आप छुटकारा पाइए। अगर वास्तव में आप पहलवानी लाइन में आप चले जाएंगे और पहले तो आप निश्चित रूप से नशा से मुक्त हो जाएंगे, गारंटी है। आप नित्य क्रिया जब मुंह धोते हैं, आप कुल्ला करते हैं, आप सोच निवृत्त होते हैं दैनिक क्रियाओं से, तो मेरा मतलब है कि मैं नौजवान भाइयों को और अपने छोटे भाइयों को बड़े भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप भले ही 20 मिनट व्यायाम के लिए निकालिए, 20 मिनट अगर एक दैनिक क्रिया में व्यायाम में हिस्सा बनाइए, आप निश्चित ही निरोग रहेंगे। और सब प्रथम सुख निरोगी काया होता है। मैं यही चाहता हूं अपने जनपद के इन नौजवानों को कि इस कुश्ती के माध्यम से पहलवान नहीं हो सकता, कम से कम स्वस्थ शरीर तो आप बना सकते हैं। और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि धन्यवाद। जय हिंद। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।